हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 7 के प्राची पब्लिकेशन बुक में से चैप्टर 10 की शुरुआत करने वाले हैं, जो कि मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर है। होपफुली आपको अब तक के 9 चैप्टर्स बड़े अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है किसी भी चैप्टर में, किसी भी एक्सरसाइज में, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर डिस्कशन कर सकते हैं। उस क्वेश्चन से रिलेटेड उसका सॉल्यूशन अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा। जब आप यहाँ पर कमेंट करते हैं, दैट मीन्स कि यूट्यूब पर कमेंट करते हैं, तो उसका सॉल्यूशन करके दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, या क्योंकि मुझे एडवांस में वीडियोस बनानी पड़ती हैं। तो जब भी आप कोई कमेंट करते हैं, तो वो पास्ट की किसी वीडियोस में, जो बहुत पुरानी कुछ वीडियो होती है, उसका क्वेश्चन होता है, जिसको सोल्व करना या एक्सप्लेन करना किसी आगे की और नई वीडियोस में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। आपके लिए भी हो सकता है वो क्वेश्चन आपको पता ही ना चले कि इस वीडियो में मैंने दिया है। तो इसी वजह से मैं डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड करवा रहा हूँ। वहाँ पर जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कीजिए, उसका सोल्यूशन बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, मेंसुरेशन में बेसिकली हमारे पास यहाँ पर दो एक्सरसाइजेज हम करने वाले हैं। एक हमारी पैरामीटर से रिलेटेड एक्सरसाइज होगी और एक हमारी होगी एरिया से रिलेटेड एक्सरसाइज। ठीक है, दोनों ही काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज होने वाली हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज की शुरुआत कर देते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, हालांकि इसमें भी पार्ट दे रखे हैं काफ़ी। क्या है, द साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर 250 mm एंड 1.5 मीटर। ठीक है, द पेरीमीटर इन सेंटीमीटर इज, तो हमें सेंटीमीटर में पेरीमीटर बताना है। तो हम बेसिकली ये करेंगे कि इस रेक्टेंगल की जो भी ये लेंथ और ब्रेड, जो भी आप कंसिडर करना चाहें, उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे ये होगा कि हमें बाद में कन्वर्सन करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, इसको लेंथ कंसिडर कर लेते हैं और इसको ब्रेड। ठीक है, गिवन क्या है हमें, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, कितनी है, 250 mm। अब देखिए, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होती है, तो अगर हमें किसी सेंटीमीटर को एमएम में बदलना होता तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन अब हमें एमएम को सेंटीमीटर में, यानी कि छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट बदलना है, तो हम क्या करेंगे, इस 250 को 10 से डिवाइड करेंगे। उससे ये होगा कि ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना बन गया, 25 सेंटीमीटर। एंड इसी तरीके से अब हम इसके जो ब्रेड्थ है, उस ब्रेड्थ को भी क्या कर लेते हैं, सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। अब मीटर एक बड़ी क्वांटिटी है, सेंटीमीटर छोटी है, तो बड़ी से छोटी यूनिट में जब आते हैं तो मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इससे जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यूनिट मीटर से किस में बदल गई, सेंटीमीटर में। अब देखिए, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल को कवर करते हुए कितना बन गया, 150 सेंटीमीटर। तो देखिए, अब हमारे पास लेंथ है, ब्रेथ है, हमें इसका क्या बताना है, पैरीमीटर बताना है। देयरफॉर पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, 2 टाइम ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना, यही होता है। तो देखिए, 2 टाइम लेंथ, लेंथ इट इज 25, ब्रेथ 150। अब आप कहोगे कि भाई ब्रेथ तो बड़ी है और लेंथ छोटी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, आप ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लेंथ जो है वो बड़ी ही हो, उसी को लेकर चलें। छोटे को भी आप लेंथ ले सकते हैं और बड़ी को ब्रेथ ले सकते हैं, उससे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना बन गया हमारे पास, 175। तो ये कितना आ जाएगा, आई थिंक 350 बन जाएगा, यस 350 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए, ये था फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्या है, द साइड ऑफ द स्क्वायर, इसका पैरामीटर बताना है। तो सिंपल सा है, देखिए हमें गिवन में क्या है, कंप्लीट करके चलेंगे हम, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही क्यों ना हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी आपको कई बार क्या होता है, बिना ऑप्शंस के दे दिया जाता है ना। सो गिवन क्या है हमें, साइड ऑफ स्क्वेयर,
स्क्वायर की साइड हमें दे रखी है कितनी, 12 सेंटीमीटर। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई साइड के इक्वल होता है। सो 4 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 12, क्योंकि साइड 12 थी, तो ये कितना हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर, सॉरी हाँ सेंटीमीटर ही होगा क्योंकि सेंटीमीटर में साइड में थी। तो वो किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन ए से मैच कर रहा है ना। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्या है, इफ़ द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स इज 8 and 15, द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस इज। तो देखिए दो सर्कल्स हैं, दो सर्कल्स के रेडियस का रेशियो गिवन है, तो उनके सर्कमफ्रेंस का रेशियो हमें बताना है। तो देखिए जब भी हमें कोई रेशियो गिवन होता है, गिवन में क्या है, रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स, दो सर्कल्स का रेडियस का रेशियो कितना है, 8:15। तो जब भी रेशियो गिवन होता है तो लेट करना चाहिए क्या, कॉमन रेशियो, लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स मान लें। देयरफॉर इससे मिलेगा क्या, यहाँ से यूँ समझिए रेशियो हटा दीजिए, ये लिखना है अब हमें, रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर, दो सर्कल्स का जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा, अब इस 8 के साथ भी ये एक्स लगा देंगे, फिर रेशियो की जगह क्या आ जाएगा, एंड, और फिर इसी तरह से 15 के साथ भी एक्स लगा देंगे, यानी कि मल्टीपल में शो कर देंगे, लगाने का ये मतलब है। तो बेसिकली अब हमारे पास दो सर्कल्स के रेडियस हैं, ठीक है, अब हम इनका सर्कमफ्रेंस लेकर चलना चाहते हैं, तो डायरेक्टली हम इनका रेशियो लेकर चल पड़ते हैं। देयरफॉर रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स, दो सर्कल्स का जो सर्कमफ्रेंस होगा, वैसे सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, आर मतलब रेडियस, तो एक रेडियस हमारा 8x है, और क्योंकि हम रेशियो निकाल रहे हैं तो डिवाइड का साइन लगा देते हैं, दूसरा रेशियो हमारा क्या है, 15x है ना। सो देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 1x से ये x कैंसिल हो जाएगा, बेसिकली हमारे पास क्या बच गया, 8/15 बच गया है ना। तो यानी कि हमारा जो रेशियो है वो रेशियो क्या बन गया, ऑप्शन सी, यानी कि 8:15 का। यानी कि आप डायरेक्टली भी ध्यान रख सकते हैं कि किसी दो सर्कल के रेडियस का जो रेशियो होगा वही उन सर्कल्स के सर्कमफ्रेंस का भी रेशियो होगा, ठीक है। कोई डायरेक्टली आपको दे दे भाई किसी सर्कल के रेडियस का रेशियो 2 और 3 है, तो बताओ उनके सर्कमफ्रेंस का रेशियो क्या होगा, आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली वो रेडियस वाला रेशियो ही उनको आंसर कर दीजिए, भाई 2 और 3 का रेशियो ही यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। सिंपली आपको यही करना है और कुछ भी नहीं करना है, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, ठीक है, क्लियरेंस। चलिए देखिए इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, देखिए क्या है, ये धुन आपने वैसे सुनी तो होगी, आपके शहर में भी ये चलती होगी है ना, इस तरह की धुन जो है, मतलब साफ़ सफाई हमें अपने आसपास के एरिया में रखनी चाहिए, ठीक है। तो क्या है फोर्थ पार्ट, द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज 210 meters, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट्स सर्कमफ्रेंस एट द रेट ऑफ 1.25 rupees per meter इज, कॉस्ट बतानी है। तो देखिए जहाँ फेंसिंग वर्ड आ गया, यूँ समझिए आपको क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस निकालना है, ठीक है, पेरीमीटर निकालना है, ठीक है, जो भी फील्ड है उसका पेरीमीटर निकालना है। सर्कुलर टाइप के फील्ड में हम सर्कमफ्रेंस वर्ड यूज़ कर देते हैं पेरीमीटर की बजाय, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए गिवन में हमें क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कुलर फील्ड, सर्कुलर फील्ड का रेडियस कितना है, 210 meters। ऐसा करते हैं इसको आर नाम दे देते हैं, ठीक है। देयरफॉर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर फील्ड कितना हो जाएगा, क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर होता है।
तो ऐसा करते हैं, देखिए पाई की जगह हम पाई की वैल्यू पाई 22/7 रख दें और आर की जगह आर की वैल्यू रख देते हैं, तो 7 2 10 को कैंसिल कर देगा 3 पर, तो ये हमें कितना मिल रहा है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 3 × 2 = 6, 6 को 2 से किया 12, 12 को 11 से करते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 132, 132, और पीछे एक 0 भी है, यानी कि ये बन जाएगा हमारा कुछ इतने मीटर, यानी कि वो जो सर्कुलर फील्ड है उसका बाउंड्री की जो लेंथ है, वो बाउंड्री की लेंथ तो कितनी है, 1320 मीटर है। अब हमें रेट कितना गिवन है पर मीटर का, 1.25 रुपीज़। नाउ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, रुपीज़ 1.25, देयरफोर कॉस्ट ऑफ 1320 मीटर, इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1320 को हमें 125 से मल्टीप्लाई करना है, 1.25 बेसिकली, ठीक है। आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आती है तो आप यहाँ से डेसिमल हटा के फिर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर देखिए क्या करने वाला हूँ, चलिए मैं वो करके ही दिखा देता हूँ आपको। अब देखिए डेसिमल से कन्फ्यूज़न था तो हमने क्या किया, डेसिमल हटा दिया, ऑप्शनल है वैसे इस ऑप्शन, मतलब ये जो स्टेप है 10 से 10 कैंसिल कर देते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है, 132 और इस 125 को मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हम रफ वर्क करते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10, 15 एंड 1, 16, 1 कैरी, 5 एंड 1, 6, 24, 6, 2, फिर 1, 3, 2, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 0, 12, 14 और 1, 15, 1 कैरी, 6, देखिए ये बन रहा है हमारे पास, और डिवाइडेड बाय क्या है, 10 भी है। अब 10 से डिवाइड कर देंगे तो बेसिकली हमारे पास कितना बन रहा है, 1650, और ये क्या निकाल रहे हैं, कॉस्ट निकाल रहे हैं, यानी कि इसकी यूनिट क्या हो गई, रुपीज़ में होगी, है ना। तो क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है, 1650, बिल्कुल है, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन, कि हमें उस सर्कुलर फील्ड के चारों तरफ फेंसिंग करने में कितना खर्चा होने वाला है, 1650 रुपये, 1650 रुपये, 1650 रुपीज़, मैंने हर वे में इसको बोल दिया है, ठीक है। चलिए फिफ्थ करते हैं, अभी तक तो पहला क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं हुआ है, कितने कितने ऑप्शंस हैं, ये गारंटेड 1 आवर से ऊपर की वीडियो जाने वाली है। चलिए नेक्स्ट है, ए कार मेक्स 50,000 रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन मतलब वो चक्कर काटना, ठीक है। एक जो पहिया है वो मान लीजिए, एक पहिया है ठीक है, तो वो मान लीजिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ये है, यहाँ पर ये ज़मीन को टच कर रहा है, ठीक है। अब इसने थोड़ी सी मूवमेंट की इस पहिए ने, अब वो थोड़ा सा आगे बढ़ा और जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो मान लीजिए यहाँ आ गया, ठीक है। फिर से वो जो पहिया है और थोड़ा आगे बढ़ रहा है, फिर से उसने थोड़ी सी और मूवमेंट की, अब जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया, फिर से उसने थोड़ा सा और मूवमेंट की, ठीक है। अब वो स्टार्टिंग पॉइंट जो है फिर से ज़मीन को टच करने लग गया, तो जैसे ही इस पहिए ने एक पूरा चक्कर कंप्लीट किया तो उसने ज़मीन पर बेसिकली देखा जाए इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यानी कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो उसने एक चक्कर में कंप्लीट किया, ये डिस्टेंस किसकी वजह से कंप्लीट किया है, ये उसके सरकमफ्रेंस की वजह से उसने कंप्लीट किया है ना। यानी कि एक सर्कल का या पहिए का बोल दीजिए व्हील जो है, क्योंकि एक सर्कल की ही फॉर्म में होता है तो इसलिए मैं सर्कल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो जो सर्कल का एक चक्कर होता है वो एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो हमें ये बताता है कि उसका 1 रिवॉल्यूशन कितना है, ठीक है। तो इसकी बात चल रही है, तो एक चक्कर में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है, तो देखिए 50,000 चक्कर लगाने में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये चीज़ें हमें पता करनी है अभी आगे, ठीक है। अभी क्या कहता है, कार मेक्स 50,000 रिवोल्यूशंस टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 121 किलोमीटर, कि भाई वो 50,000 चक्कर लगा रहा है और 121 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर कर देता है, तो बताइए डायमीटर क्या होगा उस व्हील का। तो सिंपल सा लॉजिक हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं,
यहाँ पर रेडियस को लेट कर लेंगे हम, ठीक है। देखिए क्या कर देते हैं, लेट द रेडियस ऑफ व्हील, इसको हम आर लेट कर लें, और ये किलोमीटर में चल रहा है फिलहाल, एक्चुअल में रेडियस तो किलोमीटर में होगा नहीं, इसको सेंटीमीटर में मान लेते हैं। देखिए ऑप्शन भी हमें सेंटीमीटर में दे रखे हैं, है ना, इस वजह से। देयरफोर सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील कितना हो जाएगा वो पता करते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील क्या हो जाएगा, 2 पाई आर के इक्वल होगा, कितने सेंटीमीटर, जबकि सरकमफ्रेंस का मतलब है कि उसने एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन वन रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, जितना उसका सरकमफ्रेंस है, है ना। देयरफोर डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 50,000 रिवॉल्यूशन कितना है, क्या हो जाएगा, 50,000 को हम क्या कर देंगे, इस 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना भाई। एक रिवॉल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है तो 50,000 में उनका मल्टीपल में ही करेगा कवर, है ना। तो अब जबकि हमें एक्चुअल चीज़ तो दे रखी है कि 50,000 रिवॉल्यूशन में तो वो 121 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक्चुअली 121 किलोमीटर लेकर चल पड़ते हैं, और राइट साइड में हमारे पास क्या चल रहा है, 50,000 गुना 2 पाई आर सेंटीमीटर। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि ये जो है वो सेंटीमीटर में है। तो अब हमें, क्योंकि बेसिकली डायमीटर निकालना, और डायमीटर 2 आर के इक्वल होता है ना, तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए 121 किलोमीटर, इस किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदल लें, क्या करें, पहले इसको 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, मीटर में, फिर इसको 2 जीरो से और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये किस में बदल गया, सेंटीमीटर में, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, उस 50,000 को भी उठा के इधर ले आते हैं तो वो डिवाइड में आएगा, और जो ये पाई है इस पाई को भी उठा कर ले आते हैं तो ये भी डिवाइड में आएगा। उधर हमने सिंपली क्या छोड़ दिया, 2 और आर छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि ये मिलकर हमें डी बना कर देगा, यानी कि डायमीटर बना कर देगा, और हमें डायमीटर ही तो निकालना है। तो यहाँ से हम बेसिकली ऐसा कर लेते हैं, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल कर दिए, और तब तक के लिए हम ऐसा करेंगे कि पाई की वैल्यू ओपन कर देते हैं, 22/7, ठीक है, इसको हमने बोल दिया डी, यहाँ रेफरेंस दे देते हैं, क्योंकि डी जो है वो 2 आर के इक्वल होता है। अब बेसिकली हमें यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेशन वर्क करना है, आपस में कुछ कैंसिल होता है, देखिए 5 से कैंसिल कर देते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 × 2 = 10, 24 × 2 तो आई थिंक ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 से इसको कैंसिल करें तो 11 × 2 = 22, 11 2 पे 2 से ये कैंसिल किया तो 11, तो ऊपर हमारे पास 11 और 7 बच रहा है सिर्फ, 11 और ये 7, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 77, और ये किस में चल रही है, सेंटीमीटर में। तो यानी कि जो डायमीटर है उस व्हील का वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 77, ऑप्शन डी, है ना। तो हम बोल सकते हैं देयरफोर डायमीटर ऑफ व्हील इज 77 सेंटीमीटर, ठीक है। होपफुली क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। फिर भी अगर डाउट रहा है तो मैंने ऑप्शन बताया था आपको, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में जाकर, वहाँ पर हम आपके प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं बड़े डिटेल के साथ, ठीक है। तो चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन, अब हमें नॉर्मली इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट क्या है, पेरीमीटर ही निकालना है। इसमें पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसकी पी क्यू क्यू आर और पी आर साइड्स हमें गिवन है, ठीक है। सो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि गिवन में क्या है, पी क्यू 8.5 सेंटीमीटर, क्यू आर 6.2 सेंटीमीटर एंड पी आर
इट इज 4.9 सेंटीमीटर। देयरफॉर पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कैसे निकालेंगे, इन पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, इन तीनों साइड का एडिशन करना है, यानी कि 8.5 प्लस 6.2 प्लस 4.9, तो कितना होगा, 9 2 11 और 5 16, एक कैरी, तो 10 11 और 8 9 19.6, और ये सारी यूनिट्स सेंटीमीटर में चल रही है, तो 19.6 सेंटीमीटर पैरामीटर किसका रहा है, फर्स्ट पार्ट का। चलिए सेकंड पार्ट क्या है, हमें साइड गिवन है, देखिए साइड ऑफ स्क्वेयर कितनी है, 7.9 सेंटीमीटर, देयरफॉर पैरामीटर ऑफ स्क्वेयर कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई साइड के इक्वल हो जाएगा, तो ये कितना है, 4 मल्टीप्लाई 7.9, 36, 3 कैरी 28 और 3 31, 31.6 सेंटीमीटर, ये सेकंड पार्ट का पेरीमीटर आ गया स्क्वेयर फिगर का। ठीक है, चलिए थर्ड में क्या है, एक रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ गिवन है, सो गिवन में हमें लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का लेंथ कितना गिवन है, 46 1 बाय 2 मीटर, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 6 12 93 बाय 2 मीटर। ठीक है, इसको मैं एल बोल देता हूँ, एंड द ब्रेथ कितने की उन्हें, 23 बाय 2 एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 23 1 बाय 2 मीटर, तो ये हो गई 46 and 47 बाय 2 मीटर, इसको मैं ब्रेथ का बी बोल देता हूँ। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ एल प्लस बी। तो देखिए इस तरह से डिनोट करने का फ़ायदा क्या हुआ, मुझे कंप्लीट लेंथ और ब्रेथ नहीं लिखने पड़े, है ना। सो अब हम इनकी वैल्यूज़ रख देते हैं, क्या हो जाएगा, 93 बाय 2 प्लस 47 बाय 2, ऐसा कर लेते हैं कि इनका ले लेते हैं एलसीएम, 93 प्लस 47, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल, और ये आई थिंक ऊपर बन गया 140 मीटर। तो एक इसका थर्ड पार्ट का पेरीमीटर, एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमें मिल गया है, है ना। चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं, क्या है फोर्थ पार्ट में, ए रेक्टेंगुलर फील्ड जिसके ब्रेथ गिवन है, लेंथ गिवन है, चलिए 51.1 मीटर उसकी लेंथ है, फटाफट कंप्लीट कर देते हैं, बिल्कुल सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है, 51.1 मीटर, इसको एल बोल देते हैं, एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल ये कितने गिवन है, 49.9। ठीक है, ये 100 बनता नज़र आ रहा है मेरे को, या और कुछ है पता नहीं, इतने मीटर, अच्छा 2 से भी तो मल्टीप्लाई करना है, है ना। सो देयरफॉर पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, 2 टाइम ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 टाइम ऑफ 51.1 प्लस 49.9, अच्छा 51 और 49 ही 100 होता है, 0.1 और 0.9 भी तो है, तो ये कितना हो गया, 101 हो गया, दैट मीन्स कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 202 मीटर। तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट का पेरीमीटर आ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, अब फटाफट हो जाने चाहिए, देखिए सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, बस आपको कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील गिवन है, सॉरी निकालना है, और रेडियस गिवन है, कैसे करना है देखिए फटाफट, गिवन रेडियस आर यहीं बोल देते हैं ऑफ सर्कल, ये गिवन है, एंड देयरफॉर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये हमें निकालना है, जो कि क्या होता है 2πr, ये हमें 3-4 बार लिखना है ना अभी कंटिन्यूसली, तो ऐसा करता हूँ मैं इसको कॉपी ही कर लेता हूँ ताकि बार बार ना लिखना पड़े। तो देखिए ये कितना गिवन था, 10.5 सेंटीमीटर,
तो बेसिकली अब मुझे यहाँ पर बस इनकी वैल्यूज़ रखनी है, और 10.5 इसका पॉइंट हटाएं तो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना। तो 7 से ये कैंसिल कर दें, ठीक है। 2 से 10 को कैंसिल करें तो 5, 5 से 15 को कैंसिल करें तो 3। सो 22 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 66 सेंटीमीटर हमारे पास फर्स्ट पार्ट का क्या आ गया, आंसर आ गया। सेकंड पार्ट का फिर से निकालते हैं। सेकंड पार्ट में हमें कितना रेडियस गिवन है, 4.55 सेंटीमीटर, 5.5 एक्चुअली, है ना। सो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 4.45 था, दोबारा चेक कर लेता हूँ, कुछ गलत, 4.55 है, 4.5 नहीं है, 5.5, मैं अभी भी गलत ही लिख रहा था, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, क्योंकि डेसिमल 2 थे, ऊपर वाले में एक ही डेसिमल था तो डिवाइड बाय 10 आया था, इसमें 2 डेसिमल तक तो डिवाइडेड बाय 100 आ गया, है ना। क्या ये 7 से कैंसिल हो जाए, सच 42 थे जो, हाँ हो जाएगा कैंसिल, 35, ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं 50 पर, 5 से कैंसिल करें तो 10, और इसको 5 से कैंसिल करें तो, ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास डिवाइड में 10 बचा हुआ है, ऊपर मैं मल्टीप्लाई करूँ तेरा 26, 26 ये बन जाएगा 286, यानी कि ये बनेगा भाई हमारा अराउंड अराउंड 228.6 किस में है, सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने के बाद सेकंड पार्ट में हमारे पास सरकमफ्रेंस ये आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में सरकमफ्रेंस रेडियस कितना गिवन है, 4.2, चलिए 4.2 सेंटीमीटर है, इसमें कैलकुलेशन आसान रहने वाली है, 22/7 एंड 4.2, पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड बाय 10, 2 से इसको कैंसिल किया 6, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइड बाय 10 चलने देंगे, क्योंकि ये डेसिमल शिफ्ट करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। अगर आप नीचे 10 या 100 या 1000 इस तरह से बचाने की बजाय इसको कैंसिल कर देते हैं तो आपके पास 5 या कोई और क्वांटिटी बचेगी, ठीक है, जिससे डिवाइड करना मुश्किल हो जाएगा। तो बेटर है कि नीचे 10, 100, 1000 ऐसे कुछ बचता है तो उसको बचा के रखें, ठीक है। तो देखिए 6 2 12, 12 और 2 24, 24 को 11 से करेंगे तो ये बन रहा है 264, तो ये बन रहा है हमारे पास 26.4 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेशंस चेक करते रहना, हो सकता है मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए, क्योंकि मैं जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत लंबी एक्सरसाइज है। इसमें रेडियस दे रखा है 7, जो कि डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा पाई की एक वैल्यू से, 7 से 7 कैंसिल, कितना बच गया, 44 सेंटीमीटर, ये मीटर में तो नहीं था, चेक कर लें, सेंटीमीटर में ही था। तो इसी तरह से हमारे थर्ड क्वेश्चन के चारों पार्ट हो जाते हैं कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इसमें हमें सर्कल का डायमीटर दे रखा है और फिर हमें क्या करना है, सरकमफ्रेंस निकालना है, यानी कि एक स्टेप एक्स्ट्रा है इसमें। देखिए कैसे करना है, उसी तरह का काम है, बस इसमें ये चीज़ गिवन में नहीं आएगी, ये देर फॉर में चली जाएगी, गिवन में हमारे पास क्या आ जाएगा, डायमीटर, डायमीटर ऑफ सर्कल, ये हमारे पास अब गिवन में आ गया, ठीक है। बस एक लाइन एक्स्ट्रा इस क्वेश्चन में बढ़ चुकी है। देखिए डायमीटर आपके पास 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 14 को 2 से डिवाइड करना है, यानी कि 7 सेंटीमीटर हो गया। अब आपके पास आर है ही, अभी अभी लास्ट पार्ट करके आए थे, कैंसिल, क्या बन गया, 44 सेंटीमीटर, आ गया ना आंसर, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें रेडियस की, सॉरी डायमीटर गिवन है 28 सेंटीमीटर, तो 28 का हाफ करें तो 14 सेंटीमीटर इस बार हमारे पास रेडियस आ गई है। सो इसकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 88 बन जाएगा, है ना, 88 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड
पार्ट में 10 सेंटीमीटर एंड फोर्थ में 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए 10 सेंटीमीटर है, तो 10 का हाफ करें तो 5 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस हो गया, कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो हमें पॉइंटों पर काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये कितना बन रहा है हमारे पास, 10 2 20 बाय 7, तो 7 से इसको डिवाइड करें तो ये बन रहा है हमारे पास 21.43, कुछ ऐसा बन रहा है ना। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। चलिए लास्ट पार्ट में हमें डायमीटर कितना गिवन था, 7 था, कंफर्म कर लेते हैं। यस 7 सेंटीमीटर ही है, 7 सेंटीमीटर। तो इसका हाफ पर करना पॉसिबल नहीं होगा। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको पॉइंटों में ले आते हैं और फिर वो पॉइंट हटा के नीचे 10 लाते हैं, जब भी तो कैंसिल करके 7/2 ही बनेगा। तो जो आपको यूं लगे कि भाई ये कैलकुलेशन तो मेरे को आगे यूज़ करनी है, तो उसको पहले डिवाइड मत किया करो, ठीक है। आप अपना कैलकुलेशन का जो काम है ना वो बढ़ा लेते हो और कुछ नहीं करते हो। 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास, 22 सेंटीमीटर। हो गया ना आसान क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन हमारे पास इसका उल्टा आने वाला है। इस बार हमें रेडियस निकालना है और सरकमफ्रेंस गिवन है, यानी कि ये हमें सरकमफ्रेंस गिवन है और हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, हमें यहाँ पर लेट करना पड़ेगा, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का रेडियस को हम यहाँ पर आर मान लें, देयर फोर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा, है ना। जबकि हमें यहाँ पर एक्चुअल सरकमफ्रेंस तो दे रखा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो एक्चुअल सरकमफ्रेंस दे रखा है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है ना। तो बाकी सभी पार्ट्स में क्योंकि हमें सेम काम करना है, तो मैंने इसको कर लिया कॉपी। तो देखिए क्या करेंगे, 44 जो एक्चुअल हमें सरकमफ्रेंस दे रखा है वो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया। अब बेसिकली हमें ये करना है कि ये जो 2 और पाई है इनको शिफ्ट करना है, तो 2 और पाई इधर आकर डिवाइड करेगा, वहाँ क्या बच गया, आर, क्योंकि हमें रेडियस ही तो निकालना है। सो देखिए 2 से मैं इस 44 को कैंसिल करूँ तो 22 बचेगा, और पाई की जगह पाई की वैल्यू रखो तो 22/7, तो डिवाइड का जो 7 था वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि जो पाई है वो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है। तो 22 से 22 कैंसिल, हमारे पास रिक्वायर्ड रेडियस कितना आ गया, 7 मीटर आ गया। क्यों, क्योंकि हमारा पेरीमीटर भी देखो मीटर में था, ठीक है। इधर हमारा फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही, अब हमें सेकंड पार्ट भी करना है। इसमें पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पेज शायद से छोटा पड़े, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन वर्क थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए सेकंड में हमें 22 गिवन है, फिर 66 गिवन है, एंड देन 30.8, ठीक है। चल देखिए 22 क्या है, सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर। देखते हैं, थोड़ा सा स्पेस बचाने की कोशिश करता हूँ, 2 पाई यहाँ आर, 2 से 22 कैंसिल करें तो 11, पाई की वैल्यू रखी तो 22/7, तो 11 से 22 को कैंसिल करें तो 2, तो हमारे पास 7 को 2 से डिवाइड किया जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर सेकेंड पार्ट में रेडियस आ गई है हमारी, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में हमारे पास 66 गिवन था पेरीमीटर, है ना। तो 66 इसमें लेकर चलते हैं, और ये मीटर में गिवन है। तो अब क्योंकि मुझे 2 और पाई को यहाँ पर शिफ्ट करना है, तो इधर आकर वो क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी। मैंने 2 से 66 को कैंसिल किया तो 33, और पाई की वैल्यू रखी तो 22/7, ठीक है। तो 11 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 11 से इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। तो ऊपर हमारे पास देखिए 21 बच रहा है और नीचे 2 है, तो 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आई थिंक ये 10.5 बनेगा, और ये बच गया हमारा मीटर में, ठीक है। सो देखिए लास्ट वाले पार्ट के लिए फिलहाल मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है, आप ये चीज़ वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। मैं ऐसा कर रहा हूँ कि यहाँ पर इसको रफ कर रहा हूँ, और यहाँ थर्ड पार्ट में क्या है, 30.08, ठीक है, 30.808 बोल गया था मैं। सो देखिए 30.8, चलिए पॉइंट भी हटा देता हूँ तो डिवाइड बाई 10 भी आ जाएगा, और 2 पाई तो यहाँ शिफ्ट हो ही रही है, ठीक है। सो 2 से मैं 308 को कैंसिल करूं,
हमारे पास क्या बचेगा, 1, 5, 4 बचेगा। अब मैं पाई की वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7, हालांकि 22 जो 154 को पूरे पूरे 7 पे कैंसिल कर देगा, तो ये कितना बन रहा है, 49/10। तो हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आ गई, 4.9 मीटर के इक्वल आ गई है, यानी कि इसमें हमारा जो रेडियस बन रहा है वो रेडियस कितना बन रहा है, 4.9 मीटर के इक्वल बन रहा है। ये फिलहाल हमारा था फोर्थ पार्ट, ठीक है। होपफुली ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ रहे होंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें आपको सर्कमफ्रेंस दिया जाता है और आपसे उल्टा पूछा किया जाता है, या तो रेडियस बताइए या डायमीटर बताइए। रेडियस बताना है तो देखिए इतना काम तो आपको करना ही है, ठीक है, लेकिन इसी में अगर डायमीटर भी बताना पड़े तो आप क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, है ना। सो ये एक्स्ट्रा वर्क आपको इसमें करना है। सिक्स क्वेश्चन भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपको कोई फिगर दिया जाता है और फिगर से आपको रिक्वायर्ड वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। देखिए फर्स्ट फिगर में क्या है, हमें एक रेक्टेंगल और एक सेमी सर्कल मिक्स करके दिया गया है। तो सेमी सर्कल का ये जो पार्ट है ये एक्चुअल में इसका है डायमीटर, जो कि एक्चुअली किसके इक्वल होगा, इस 6 के इक्वल ही होने वाला है। तो बेसिकली हमें एक सेमी सर्कल का डायमीटर पता है ना। चलिए एक्स्ट्रा पेज है मेरे पास यहाँ पर इसके लिए, और रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ भी पता है। तो बेसिकली हमें इन दोनों का पेरीमीटर, ओह सी मैं अभी तक एरिया से रिलेटेड सोच रहा था, ठीक है, मुझे फिलहाल यहाँ पर इसका पेरीमीटर निकालना है। तो एक छोटी सी बात बताता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है आपको, काफ़ी बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं। क्या, जब भी हमें किसी मिक्स फिगर का पेरीमीटर निकालना होता है तो हमें सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री के अकॉर्डिंगली सोचना होता है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री पर सोचना है, कहीं पर भी आपको अंदर की तरफ कोई लाइनिंग नज़र आ रही है तो आपको उन लाइनिंग्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। बच्चे क्या करते हैं, उस लाइन को भी काउंट कर लेते हैं, कोई और लाइन है तो उसको भी काउंट कर लेते हैं, जो कि एक्चुअली गलत है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर की जब बात आएगी तो हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है, सिर्फ बाउंड्री बाउंड्री पे काम करना है, अंदर चाहे कितनी भी लाइंस हों हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए यानी फर्स्ट पार्ट के लिए मैं अलग से फिगर नहीं बना रहा हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन फिगर में है, ठीक है। तो गिवन में क्या क्या है वो चीज़ें बता देते हैं पहले। देखिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ गिवन है, इसको एल बोल दें, एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल ये भी हमें पता है, या ऐसा करते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर में जाने देते हैं। देखिए इसमें हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या खैर अब लिख ही लिया है तो इसको चलने ही देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो साइड है ये भी हमारी 12 हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी, ठीक है। एंड डायमीटर, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का डायमीटर कितना गिवन है, 6 मीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, 6/2, यानी कि 3 मीटर, इसको हम आर बोल दें। तो बेसिकली देयरफॉर हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर किसका निकालना है, ऑफ फिगर, जो भी फिगर हमें दे रखा है, ठीक है। अभी देखिए उस फिगर के अकॉर्डिंगली हमें क्या क्या इंक्लूड करना है, एक तो ये इंक्लूड करना है जो कि हमारी बी है, ठीक है। एक हमें ये एल यूज़ करनी है और एक ये एल यूज़ करनी है, और दोनों एल सेम है यानी कि हम इसको 2 टाइम ऑफ एल बोल सकते हैं। और एक हमें ये सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस यूज़ करना है, सिर्फ ये, जो कि एक्चुअल में किसके इक्वल होता है, पाई आर के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है तो क्यों ना इनकी वैल्यूज रखे। देखिए बी की जगह बी की वैल्यू 6, एल के रिप्लेसमेंट में एल की वैल्यू 12, पाई की जगह हमने 22/7 यूज कर लिया, आर कितना है 3, तो ये कितना आ गया, ये हमारे पास बन रहा है 6+24+66/7। तो हम इसको सिंपली फाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा सोल्व करें, कैसे,
एलसीएम लेके सोल्व कर लें, तो ये बन जाएगा 42 और ये हो जाएगा 30। ये ऐसा करते हैं, चलिए कर ही देते हैं, अभी इतना कर ही दिया। तो देखिए 27 28 दो कैरी, 14 और 2 16 और 66, तो ये हमारे पास बेसिकली कितना बन रहा है, 8 और 2 16 एक कैरी, 6 6 12 13 और 4 17 एक कैरी, 2 7 इतने मीटर। ये तो इसका बन गया हमारे पास पैरीमीटर इस फिगर का, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा अप्रॉक्स करना चाहते हैं तो इसको पॉइंटों में दे सकते हैं, जैसे इक्कीस 21 6 63 66, या मिक्स फ्रैक्शन में भी दे दीजिए। पॉइंटों पे नहीं करना चाहते हैं तो मेरी तरह, ठीक है, तो हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में छोड़ दिया। ये फर्स्ट पार्ट का हमारे पास क्या आ गया, पैरीमीटर आ गया है, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट के लिए देखते हैं कि सेकंड पार्ट में हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत है। सेकंड पार्ट में ये देखिए, एक तो ये 28 यूज होगा, ऐसे ये दूसरा 28 भी यूज होगा, ये भी तो 28 आएगा, और फिर हमें ये सरकमफ्रेंस सेमी सर्कल का और इसी तरह से ये सरकमफ्रेंस हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो देखिए हम डायरेक्टली ही लेकर चलते हैं, पहले या तो हम रेडियस बता देते हैं 7 सेमी सर्कल का, और ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है। देखिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी गिवन है, 28 सेंटीमीटर एल बोल दें, एंड रेडियस गिवन है हमें डायरेक्टली, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का रेडियस कितना गिवन है, 7 सेंटीमीटर, इसको आर बोल देते हैं। देयरफोर पैरीमीटर ऑफ फिगर हमें लेकर चलना है, पैरीमीटर ऑफ फिगर। आप नोटिस करोगे कि हमें 28 जो है वो दो बार ऐड करना है, और जो सरकमफ्रेंस है सेमी सर्कल का पाई आर, वो दो बार यूज होना है ना, तो उसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब सिंपली क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज रख देते हैं, 2 पाई की जगह पाई की वैल्यू, आर की जगह आर की वैल्यू, सॉरी 7 आनी थी, तो 7 से तो 7 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बन गया 56, और ये कितना बन रहा है 44, तो ये आई थिंक हमारे पास 100 के इक्वल आ गया क्या, और ये मेजरमेंट चल रही है सेंटीमीटर में, है ना। तो यानी कि सेकंड फिगर का जो पैरीमीटर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल आ रहा है। चलिए नेक्स्ट करते हैं थर्ड। थर्ड में देखिए ये जो फिगर है, इस फिगर को बोला जाता है क्वाड्रेंट, ठीक है। ये जो क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में ये जो सरकमफ्रेंस है, ये सरकमफ्रेंस एक्चुअली एक सर्कल के 1/4 पार्ट के इक्वल होती है, 1/4, ठीक है। और क्योंकि हमें पैरीमीटर पे काम करना है तो हमें ये 21 और ये 21 भी ऐड करना ही होगा, ठीक है। तो इसमें हमें एक 21 मेंशन करना है बस, और कुछ नहीं ज़्यादा। तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट मेंशन कर देते हैं, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट कितना है, 21 सेंटीमीटर। देयरफॉर पैरीमीटर ऑफ फिगर पर आ सकते हैं हम डायरेक्टली, पैरीमीटर ऑफ फिगर, इसमें क्या आ जाएगा, 2 तो ये 21 आएंगे, है ना। दो बार ऐड करके दिखा दीजिए या 2 से मल्टीप्लाई करके एक बार दिखा दीजिए, ठीक है। और 1/4 ऑफ 2 पाई आर, 1/4 किसका, सर्कल का सरकमफ्रेंस, ठीक है, ये 21 ही बोल देते हैं, 2 पाई 21। तो ये देखिए, ये तो हो गया 42, 21 प्लस 21, यहाँ चलिए कम्प्लीटली ओपन कर देता हूँ, पाई की जगह पाई की वैल्यू, और 21 है ही, 2 से 4 को कैंसिल किया, 2 2 से 22 को कैंसिल करें तो 11, 7 से 21 को कैंसिल करें तो 3, तो यहाँ हमारे पास 42 प्लस 21 और 3 इनको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया, 33। तो हमारे पास बेसिकली 75 मीटर में है, सेंटीमीटर में है, मीटर में है, मैंने यहाँ पर सेंटीमीटर गलत लिखा है, तो मीटर। तो थर्ड फिगर का जो पैरीमीटर आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 75 मीटर का। चलिए फोर्थ फिगर का पैरीमीटर निकालते हैं क्या है इसमें। देखिए एक तो ये सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस है,
और उसका डायमीटर दे रखा है 14, तो रेडियस हम निकाल लेंगे, और दो ये 21 यूज़ करने हैं, है ना। तो एक आइसक्रीम कोन की शेप है, तो फिलहाल यहाँ पे हम रेडियस को ज़रूर मेंशन करेंगे पहले, गिवन डायमीटर, गिवन है वैसे तो डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का डायमीटर कितना गिवन था, 14 सेंटीमीटर, 14 ही था ना, बिल्कुल 14। देयरफॉर रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, 14 को 2 से डिवाइड कर दे यानी कि 7 सेंटीमीटर, है ना। अब पेरीमीटर ही निकाल लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ फिगर, फिगर का पेरीमीटर कैसे निकलेगा, एक तो सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस यानी कि पाइया, और जो 21 दो बार साइड में ऐड हो रखे हैं वो, सो पाई की जगह पाई की वैल्यू, रेडियस की जगह रेडियस की वैल्यू, 21 प्लस 21 42, ये कैंसिल, 42 और 22 को आपस में ऐड करें तो 64 बनेगा, और वैल्यू किस में चल रही है, सेंटीमीटर में चल रही है ना। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट। चलिए फिफ्थ पार्ट करते हैं, क्या है ये देखिए, इसमें ये जो सर्कमफ्रेंस है ये एक सर्कल का 3/4 पार्ट है, 3/4, क्योंकि ये जो इतना हिस्सा था जो हमने इस पे काम किया था ये 1/4 था, तो अगर हम इसको और कंप्लीट कर दें तो ये पूरा एक सर्कल ही बन जाएगा, है ना। तो और 2.1 मीटर हमारे पास ये है ही, तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट ही बोला जाएगा, वैसे क्वाड्रेंट नहीं सेक्टर बोला जाएगा उसको, तो इसमें क्या बोलेंगे देखिए, रेडियस ऑफ उस हिस्से को बोला जाता है, उस पार्टीशन को बोला जाता है सेक्टर, ठीक है। सो कितना है, 2.1 मीटर। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ फिगर, पेरीमीटर ऑफ फिगर क्या हो जाएगा, एक तो ये 2.1 दो बार ऐड होगा एज ए रेडियस की तरह, और वो 3/4 किसका होगा, 2 पाई आर का होगा, है ना। आर तो हमने अभी डिनोट नहीं किया, तो 2.1 ही ले देते हैं। अब देखिए 2.1, 2.1, 4.2 हो गया, और यहाँ हम ऐसा कर लेते हैं कि इनकी वैल्यूज़ ओपन कर लेते हैं, 22/7 पॉइंट हटाएं तो नीचे 10, सो 2 से 4 कैंसिल, 2 2 से 22 कैंसिल, 11 बच जाएगा, है ना, और 7 से 21 कैंसिल करें तो 3, तो 4.2, और ये कितना बन रहा, देखिए 3 × 3 9, 9 को हम 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 99, और 99 को देखिए 10 से डिवाइड करेंगे तो 9.9 कुछ बन रहा है, और अब हम इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो ये बेसिकली हमारे पास कितना बन रहा है, 14.1 के इक्वल कुछ बन रहा है, और ये वैल्यू आई थिंक मीटर में चल रही है ना, तो मीटर में हमारा क्या आ गया, इसका पेरीमीटर आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा फिफ्थ पार्ट, तो होपफुली आपको ये फिगर वाले जो क्वेश्चन है वो समझ आए होंगे, काफ़ी मेहनत लग रही है, काफ़ी गर्मी है भाई, और इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, सो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक करें, है ना, और आपने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देखिए चलिए 7th क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स। एक फर्स्ट क्वेश्चन में किसी एक पार्ट में आया था कि रेडियस का रेशियो गिवन था, सर्कमफ्रेंस का रेशियो बताना था, जो कि हमने देखा था सेम होता है, बिल्कुल वैसे ही है। इस बार हमें सर्कमफ्रेंस का रेशियो दे रखा है, किसका रेशियो निकालना है, रेडियस का। हमें पता है आंसर क्या आने वाला है, आंसर सेम आने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन को, देखिए लेट करना पड़ेगा हमें, लेट द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स बी R1 एंड R2, दो जो रेडियस हैं उन दोनों सर्कल्स के उनको हमने R1 R2 बोल दिया। नाउ या गिवन क्या है हमें, गिवन है हमें रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल्स, कितना रेशियो गिवन है, 5:3।
जबकि एक्चुअली रेशियो निकलेगा कैसे? रेशियो निकलता है हमारे पास डिवाइड की फॉर्मेशन में, है ना? तो हम इनको डिवाइड की फॉर्म में लिख लेते हैं, जबकि यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में हो वो कैसे लिखा जाएगा? 2π r1, फर्स्ट सर्कल का फर्स्ट सर्कल का सर्कमफ्रेंस, फिर दूसरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस, जो रेडियस थे वो रेडियस की फॉर्म में। तो ऐसे आप नोटिस करोगे 2π से 2π तो कैंसिल हो जाने वाला है, आपके पास बेसिकली बचेगा क्या? R1 और R2 का रेशियो ही तो बचेगा, और देखिए वो रेशियो किसके इक्वल आ रहा है, 5:3 के इक्वल ही आ रहा है ना? कोई चेंजेस नहीं आ रहे, यानी कि जो सर्कमफ्रेंस का जो रेशियो था वही रेशियो आपका रेडियस का आ रहा है, और पीछे हमने करके आए थे जो रेडियस का रेशियो था वही हमारे सर्कमफ्रेंस का रेशियो होता है, ठीक है? तो आप बोल सकते हो देयरफॉर रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इज 5:3, सिंपल, ठीक है? चलिए 8th क्वेश्चन करते हैं। क्या है? द पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल गिवन है, इसकी साइड ए बी बी सी सी ए आर रिस्पेक्टिवली 15, 10 और एक्स प्लस 4 सेंटीमीटर है, तो एक्स की वैल्यू हमें बतानी है यहाँ पर। सिंपल सा है, देखिए क्या है गिवन हमें, देखिए ए बी गिवन है 15 सेंटीमीटर, बी सी गिवन है 10 सेंटीमीटर, ए सी गिवन है या सी ए बोल दीजिए एक्स प्लस 4 सेंटीमीटर। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल का पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी या सी ए, जबकि हमें एक्चुअल में तो पेरीमीटर 50 गिवन है, तो हम ए बी की जगह ए बी की वैल्यू रखते हैं, बी सी की जगह बी सी की वैल्यू रखते हैं, ए सी की जगह ए सी की वैल्यू रखते हैं, और अब हमें यहाँ सिंप्लीफाई करना है ये शिफ्टिंग करके, है ना? तो 25 और 10 25, 25 और 4 29, 29 प्लस एक्स 50 के इक्वल आ गया, तो 50 माइनस 29, 29 राइट साइड में जो है वो ऐड कर रहा था, तो लेफ्ट साइड में आके क्या करेगा? सब्ट्रैक्ट करेगा, है ना? सो 50 माइनस 29 कितना आ गया? 21 के इक्वल आ गया, है ना? सो 21 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई, इन्होंने यही पूछा था, यही हमने बता दिया, ठीक है? 8th क्वेश्चन हो गया, चलिए 9th करते हैं। क्या है? देखिए द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क हमें गिवन है, इफ 3 किलोमीटर 72 मीटर लॉन्ग वायर इज रिक्वायर्ड फॉर फेंसिंग इट, यानी कि हमें बेसिकली इसका पेरीमीटर दे रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द पार्क, पार्क की लेंथ बतानी है। हाँ चलिए कोई नहीं, देखिए गिवन में हमें क्या है, लेंथ सॉरी ब्रेथ गिवन है ना? ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेथ कितनी गिवन है? 48 मीटर, इसको बी बोल दें और लेट कर लेते हैं क्या लेंथ को, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इसको एल बोल देते हैं। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना हो जाएगा? 2 टाइम ऑफ एल प्लस बी हो जाएगा, जबकि हमें बी बी गिवन है, एल तो हमें निकालना है, और एक्चुअल में जो पेरीमीटर वो पेरीमीटर कितना है? 3 किलोमीटर 72 मीटर है। अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 होते हैं, यानी कि इस कंप्लीट वैल्यू को हम मीटर में कन्वर्ट करें तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा? 3072 मीटर हो जाएगा, है ना? अब हमें यहाँ से एल की वैल्यू को हंट करना है, तो सबसे पहले ये जो 2 मल्टीप्लाई कर रहा है इसको इधर ले आए, इधर आकर क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा, जो कि कितना आ गया? 1536, और फिर यहाँ से जो 48 है वो उधर आकर क्या करेगा? सब्ट्रैक्ट करेगा, 1536 में से 48 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी? 8, यहाँ कितना बनेगा? 12 4 6, फिर से 8 और 4 एंड 1, तो ये एल की वैल्यू आ रही है, और ये किस में है बेसिकली? ये मीटर में है ना? तो जो लेंथ है इस पार्क का
वो लेंथ कितनी है. देयरफोर लेंथ ऑफ पार्क किसके इक्वल हो गई, 1488 मीटर. आप इसको किलोमीटर में लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर 488 मीटर. आप ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, ये हमारा 8th क्वेश्चन. 9th क्वेश्चन, 10th करते हैं. चलिए क्या है, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वेयर इज डबल दैट ऑफ ए रेक्टेंगल. ये कोई रेक्टेंगल है उसका डबल कर दें पेरीमीटर तो स्क्वेयर का पेरीमीटर बन जाता है. ठीक है, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वेयर इज 120 मीटर एंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल जो है वो रेशियो में गिवन है. वैसे हम निकाल सकते हैं इसे बड़े आराम से. देखिए कैसे क्या है, सबसे पहले तो हम गिवन में पेरीमीटर ऑफ इसको लेकर चलते हैं. क्या पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर, देखिए कितनी गिवन है, 120 मीटर गिवन है. नाउ हमें एक चीज़ और गिवन है, क्या पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर एक्चुअली किसके इक्वल गिवन है. पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर देखिए इज मतलब इक्वल है, डबल दुगनी किसके, दैट ऑफ रेक्टेंगल. यानी कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर एक्चुअली 2 टाइम है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के, है ना. और 120 इधर चल ही रहा है तो अब हम इस दो को दूसरी तरफ लेके जाएं तो वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा. तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मिल जाएगा जो कि कितना आ रहा है, 60. यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 60 मीटर. हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर पता चल गया, बिल्कुल पता चल गया. अब हम यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ जो कि रेक्टेंगल के रेशियो के रूप में दिए गए हैं वो लेके चलते हैं. एक और चीज़ हमें गिवन है यहाँ पर, रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना रेशियो गिवन है, 3:2. तो आपको बता रखा है जब भी रेशियो होता है तो हमें क्या करना होता है, कॉमन रेशियो को लेट करना होता है. लेट द कॉमन रेशियो बी एक्स, देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी हो जाएगी, 3x मीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, 2x मीटर. ठीक है, इसको हम L और B बोल दें. देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ L प्लस B के इक्वल हो जाएगा, है ना. ऊपर जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाला था उसको 1 बोल दें, क्योंकि उसकी इस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की जगह हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, 60. कहाँ से, फ्रॉम 1 से, है ना. और 2 L कितना है, 3x, ब्री कितना है, 2x. अब देखिए यहाँ पर 2 राइट साइड में मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर क्या करेगा, डिवाइड. तो 60 को 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया, 30. और 3x और 2x आपस में ऐड होंगे तो कितना बन गया, 5x. अब 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी तरफ आकर क्या करेगा, डिवाइड. तो 30 को 5 से डिवाइड कर तो कितना आ गया, 6. सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6. ये तो सिर्फ x की वैल्यू है, जबकि अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, सिर्फ ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल. यानी कि 2 से x को मल्टीप्लाई कर देना है. देयरफॉर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, 2 × 6 यानी कि 12 मीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर है, है ना. सो 12 मीटर क्या आ गई, ब्रेथ आ गई. अगर लेंथ भी पूछी जाए तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी कि 18 मीटर जो है वो उस रेक्टेंगल की लेंथ आ जाएगी. क्लियर, तो ये हमारा 10th क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट 11th करते हैं. अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखिए, देयर आर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल. कॉन्सेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं, जो एक ही सेंटर पर बनते हैं, जो सर्कल्स उनको कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं. कि एक ही सेंटर पर एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का, एक 5 का, एक 10 का, जितने भी बनाओ, जरूरी नहीं 2 ही हो, उन सभी को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोला जाता है. तो एज सोन इन द फिगर, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द आउटर सर्कल हमें गिवन है,
एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर सर्कल भी हमें गिवन है। तो देखिए सर्कमफ्रेंस गिवन है, तो क्या इनका रेडियस निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। हमने पहले भी किसी क्वेश्चन में किया, आई थिंक फिफ्थ क्वेश्चन था जिसमें सर्कमफ्रेंस गिवन थी और रेडियस हमने निकाली थी, ठीक है। तो अब ये पूछ क्या रहा है, डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई आर और आर। तो ये फिगर में खुद दे रखा है कि कैपिटल आर बड़े जो आउटर सर्कल है उसका रेडियस होगा, और जो स्मॉल आर है वो इनर सर्कल का रेडियस होगा। तो गिवन में बेसिकली हमारे पास ये भी है, फिगर के थ्रू गिवन है क्या, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल इट इज आर सेंटीमीटर बोल दें, एंड रेडियस ऑफ इनर सर्कल इसको स्मॉल आर बोल दें। ए नाउ अब देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल, एक एक करके दोनों को लेकर चल पड़ेंगे, क्या होगा, 2 पाई आर के इक्वल होगा कैपिटल आर, जबकि सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल तो हमें 132 दे ही रखा है, तो इसकी जगह हम ये लेके चलें और 2 पाई आर है ही, है ना। अब जो 2 और पाई है वो इधर आकर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी। सो 2 से हम 132 को कैंसिल करें तो 66, और 22 की वैल्यू ओपन करें तो 22/7, है ना। सो 22 से 66 कैंसिल किया 3 पर, सो यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 21 सेंटीमीटर, ये हमारी कैपिटल आर की वैल्यू आ गई, इसको 1 बोल देते हैं, ठीक है। अब बिल्कुल सेम ऐसे ही हमें क्या लेकर चलना है, इनर सर्कल का सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल जो कि क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा, जबकि हमें एक्चुअली इनर सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना दे रखा है, 88 गिवन है, सो वो हमने यहाँ रखा, ठीक है। सो 2 और पाई इधर आकर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी, 2 से 88 कैंसिल किया तो 44, पाई की जगह पाई की वैल्यू रखे तो 22/7, तो 22 से 44 कैंसिल 2 पर, तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 14 सेंटीमीटर, है ना, इसको 2 बोल देते हैं। नाउ अब हमें निकालना क्या था, देखिए हमें निकालना है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर निकालना है ना। तो देखिए कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर फ्रॉम 1 से देखो 21 के इक्वल है, और स्मॉल आर फ्रॉम 2 से 14 के इक्वल है। ये वैल्यूज़ कहाँ से आई वो बता देते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 से, ठीक है। तो ये कितना बन गया, 7 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा 11th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं 12th। ए पीस ऑफ वायर इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ इतने सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इतने मिलीमीटर ब्रॉड इज रीशेप्ड एंड बेंड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। देखिए ये कहता है कि एक कोई रेक्टेंगुलर हमारे पास वायर थी और उसकी लेंथ 8.9 सेंटीमीटर और ब्रेथ 54 mm थी, ठीक है। इस mm को हम 5.4 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ है। अब ये कह रहा है कि इस वायर को हमने बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया, ठीक है, बिल्कुल सीधा बना दिया, तो ये किससे बना, इसके पेरीमीटर से ही तो बना है ये स्ट्रेट वायर, और फिर इस स्ट्रेट वायर को हमने क्या कर दिया, एक सर्कल की फॉर्मेशन दे दी। तो ऑब्वियस ही बात है इस रेक्टेंगल का जो ये पेरीमीटर हुआ वही तो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है, यानी कि ये वायर एक्चुअल में है क्या, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है, और अब हमने इसी स्ट्रेट वायर को सर्कल में बदल दिया, यानी कि यही वायर एक्चुअल में क्या बन गई, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बन गई, है ना। यानी कि इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस और इस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को हम आपस में क्या लेकर चल सकते हैं, इक्वल लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो यही लॉजिक हम करने वाले हैं इस कंप्लीट क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए क्या चीज़ गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, एमएम में बताना है हमें फाइनल आंसर। सो देखिए गिवन में है हमारे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल,
कितनी है 8.9 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हमें एमएम में आंसर देना है तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एमएम में बदल गई। इसको हम बोल देते हैं एल एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ये कितनी है 54 mm, इसको बी बोल देते हैं। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ एल प्लस बी हो जाएगा। तो ये निकाल लेते हैं एल 89 प्लस बी 54, सो 2 टाइम इन दोनों को ऐड करें, 9 4 13 इक्कीस, 9 5 14, तो ये बन गया हमारे पास 286 mm पेरीमीटर किसका, उस रेक्टेंगल का। ठीक है, यानी कि अब इस पेरीमीटर को हमने क्या किया, रीबेंड किया एक सर्कल में। नाउ रीबेंड दिस रेक्टेंगल इनटू सर्कल, देयरफॉर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि उसी वायर्स को स्ट्रेट करके हमने सर्कल में बदल दिया है ना। तो अब यहाँ पर सर्कल का सर्कमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है, 2πr होता है, जबकि पेरीमीटर यहाँ कितना है 286 mm है, कहाँ से, फ्रॉम 1 से, इसको 1 बोल दिया हमने। अब यहाँ से बेसिकली हमें क्या करना है, इस r की वैल्यू को निकालना है। सो 286 2π इधर आकर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, सो 2 से 286 को कैंसिल किया तो 143, पाई की जगह पाई की वैल्यू रखे 22/7, तो 11 से तो ये कैंसिल हो ही जाएगा, देखिए 11 और 3, ठीक है। सो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 21, 2 91/2। सो आर हम यहाँ पर पॉइंटों में बता सकते हैं कितना बन जाएगा, ये 45.5 mm, हमें रेडियस ही बताना था, यस रेडियस बताना था और किसमें mm में बताना था, तो ये आ गया हमारे पास 45.5 mm, क्लियर। तो ये हमारा 12। चलिए 13th क्वेश्चन करते हैं, क्या है, ए पीस ऑफ वायर इज बेंड इन द शेप ऑफ द स्क्वेयर एंड रीबेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर रिंग। फिर से वही, पिछले में रेक्टेंगल को सर्कल में बदला था, इसमें स्क्वेयर को सर्कल में बदल रहे हैं, ठीक है। तो गिवन में हमारे पास क्या है, साइड ऑफ स्क्वेयर गिवन है, इस बार लेंथ ब्रेथ नहीं है, साइड ऑफ स्क्वेयर कितना है 11 सेंटीमीटर, और इस बार हमें रेडियस नहीं डायमीटर बताना है, ठीक है। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर कितना हो जाएगा, 4 × साइड हो जाएगा, सो 4 × 11 कितना आ गया, 44 सेंटीमीटर, इसको 1 बोल देते हैं। नाउ रीबेंट दिस वायर इंटू सर्कल, उसे क्या होगा, देयरफॉर वही सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर, ये आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, है ना। अब जबकि हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर तो ऑलरेडी पता है कितना, 44 सेंटीमीटर, कहाँ से, फ्रॉम 1 से, और जबकि सर्कल का सर्कमफ्रेंस का 2πr फॉर्मूला रहेगा। अब हमें यहाँ से r की वैल्यू निकालनी है, तो 2 और पाई को हमने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। अब 2 से 44 कैंसिल करें तो 22, और पाई की जगह पाई की वैल्यू 22/7 हमने रख दी, 22 से 22 कैंसिल, तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 7 सेंटीमीटर आ रही है। तो इस केस में हमारे पास r की वैल्यू आ रही है 7, जो कि रेडियस है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, होपफुली ये लास्ट ही है, चेक कर लें, हाँ ठीक है।
क्या है? ए पीस ऑफ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ ब्रिड गिवन है, ठीक है, एंड री बेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल एंड फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन करना है एज इट इज, यही क्वेश्चन है। तो इसमें से जो भी रिटर्न वर्क है मैं कोशिश कर लेता हूँ कि उसको कॉपी कर लें। ठीक है, ताकि हमें बार बार दिक्कत ना आए। ठीक है, सो ये कर लिया हमने कॉपी और यहाँ पर कर दिया इसको पेस्ट। सो अब बस हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। देखिए इस बार हमें लेंथ कितनी गिवन है, 40 है ना, 40 सेंटीमीटर, इसको एल बोल देते हैं, और ब्रेथ कितनी है, 26 सेंटीमीटर, इसको बी बोल देते हैं। तो पैरीमीटर क्या हो गया, 2 टाइम ऑफ एल प्लस बी हो गया। तो यहाँ पर एल की जगह एल की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, और ये कितना आ गया, 66 बारह 132 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर। तो अब क्योंकि इसको अभी सर्कल में बदला है तो ये हमारे पास फ्रॉम 1 से 132 सेंटीमीटर के इक्वल चल रही है। सो देखिए 132 डिवाइडेड बाई 2 पाई धराकर डिवाइड में आ गए, 2 से उसको कैंसिल करें तो 66 डिवाइडेड बाई पाई की जगह पाई की वैल्यू रखी 22/7, तो इसको कैंसिल किया तो 3 पर, तो ये कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो रेडियस आ रहा है वो आ रहा है 21 सेंटीमीटर का। होपफुली आपको ये एक्सरसाइज पैरीमीटर से रिलेटेड समझ आई होगी। कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर आप नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, इससे आपका कोई नुकसान नहीं है लेकिन मुझे कोई ना कोई मोटिवेशन मिल जाता है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।